तो बेटा एक जैसे मैंने आपको से कहा था परसेवरेंस और हार्ड वर्क, तो मैं आपको एक और एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाऊंगा हमारी क्लास की, जो आप सुनकर उससे काफी फायदा हो सकता है आपको, ठीक है। एक बार क्या हुआ, हमने ये डिसाइड किया था कि जैसा हमारा फेयरवेल स्पीच होती है, तो हम लोग एक दिन पहले बोलते हैं बच्चों को कि भाई आप किस पे स्पीच दोगे आप, तो बच्चे डर जाते हैं कि क्या बोलना कैसा बोलना होता ना ऐसा। तो फेयरवेल स्पीच थी हमारे यहाँ, तो एक दिन पहले हमने बच्चों को कहा कि चलो आप कौन स्पीच देगा बताओ। तो कुछ बच्चे बोले कि हम स्पीच देंगे, कोई कहा कि आगे पीछे हो रहा था। तो उसमें एक बच्चा था, वो बच्चा बहुत बोल्ड था, वो मतलब वो स्पीच देने में मतलब एकदम क्या बोलेंगे उसको बिंदास था, वो नहीं आया था क्लास में। और सपोज ये था कि मैं 10 दिन पहले बोला था कि हमारा 10 दिन के बाद फेयरवेल स्पीच होना, इसको नाम देना है, तैयारी कर लो, वो बच्चा उस दिन नहीं आया था। अब हुआ ऐसा कि अगर आप देखिएगा तो उसका यूट्यूब पे उसका वीडियो भी है, उसका नाम था सरफराज बच्चे का, देखोगे आपने। और एक बच्चा था इतेशाम ब्लॉक में ही, मेरे मन से इतेशाम था, और एक बच्चा का नाम मुझे याद किया रहा समथिंग उसका। तो क्या हुआ कि जब मैं बोला इतेशाम, जब प्रेजेंट था, मैंने इतेशाम से कहा था कि इतेशाम मतलब सब कुछ कहा कि आप देना स्पीच, तो इतेशाम आया उसने कहा सर मैं उर्दू मीडियम का हूँ लेकिन मैं इंग्लिश पे स्पीच दूंगा, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है। दूसरा बच्चे भी साथ में आया उसका, उसने कहा नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उसने कहा मैं भी स्पीच दूंगा, ठीक है। दो बच्चों का नाम आ गए मेरे, लेकिन सरप्राइज जो बच्चा था बोल्ड था वो नहीं आया था उसका। अब सेकेंड डे आया, थर्ड डे आया, तो वक्त निकलते गया, इतेशाम ये सब तैयारी करते गए, उन्होंने शायद उसको बोला नहीं सरप्राइज को कि ऐसा स्पीच देना है, फेयरवेल होना है। और इतेशाम वो सरप्राइज बच्चा छुट्टी बहुत लेता था, मतलब कभी आया कभी। अब होते होते ऐसा हो गया कि टाइम आ गया किसका, फेयरवेल का, तो उसे मालूम पड़ेगा कल फेयरवेल करके सरप्राइज को, वो आ गया ठीक है कल सेकेंड आ गया। अब आते मुझे बोला सुबह आके सर मुझे स्पीच देना है। मैंने कहा बेटा आपने तैयारी करेंगे स्पीच की, आपको कुछ आता क्या? नहीं सर, बोले मैं बोल दूंगा। ठीक है। फिर इतेशाम जो था जिसे नाम रखा था, मैं देखा उसको तो वो कोर्ट में आया था, वो मतलब मेरा एक्सपेक्ट नहीं थी क्या था कि स्पीच देने वाला बंदा सिंपल आ जाएगा, वो कोर्ट में आया था। मैंने कहा आप कोर्ट में गए तो हाँ सर बोलिए आप रिकॉर्ड करोगे उसको यूट्यूब पे डालोगे आपके चैनल में तो लाइव लॉग रहेगा, तो मैं कोर्ट पर गया। मैं इंप्रेस हो गया उससे कि उतने मैं बोला भी नहीं कि तुझे कैसा आना है, वो कोर्ट पर आ गया, अभी उसकी वीडियो कोर्ट में देखो। दूसरा जो बच्चा था जो इतेशाम में साथ में आया था, वो आया था, उसे मुझे बोलता सर मुझे स्पीच देना नहीं है, मुझे स्पीच, मैं कन्विंस कर रहा था। मैं कहा देखो इतेशाम दे रहा है इंग्लिश में स्पीच, आप दो उर्दू में, जैसे आप दो लेकिन हिम्मत बता दो। मैं कहा देखो इतेशाम तो था नहीं, वो स्पीच दे रहा है, तूने मुझे सर पर दूंगा नहीं। अब देखो क्या होता है। अब आता है इतेशाम के बारे में, इतेशाम को इन्वाइट करते हैं, आओ इतेशाम स्पीच दो। इतेशाम आता है स्पीच देना स्टार्ट करता है, उसकी स्पीच माशाल्लाह अच्छी, प्रिपेयर करके आया था, क्या था उसके पास कॉन्फिडेंस, कैसा आया उसको प्रिपरेशन से, प्रिपेयर था वो, कॉन्फिडेंस था, इंग्लिश बोला उसने अच्छे से स्पीच दिया उसने। अब दूसरा बच्चा जो नहीं आया था उसके पास क्या नहीं था, उसके पास प्रिपरेशन था लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं था उसके पास, क्या नहीं था, वो नहीं गया। अब तीसरा बच्चा आया सरप्राइज, उसके पास क्या था, कॉन्फिडेंस था लेकिन प्रिपरेशन नहीं था, लेकिन जब वो आया स्टेज पे वो, तो वो उसे खुद पता नहीं वो क्या बोल रहा है, क्योंकि वो क्या नहीं था, वो प्रिपेयर नहीं था ना, लेकिन कॉन्फिडेंस था। तो बोलने का मकसद ये आता है कि लाइफ में आपको सक्सेस होना, इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल पर्सन, सो देयर शुड बी वन थिंग लाइक यू नो लाइक आई सेड बिफोर लाइक हार्ड वर्किंग प्लस प्रिपरेंस, सेकेंड थिंग यू नीड प्रिपरेशन विद कॉन्फिडेंस। It is not like that you only have preparation without confidence, you cannot do anything. Like for example, I am having preparation. I prepared all the whatever I needed for the interview, for the speech, I have prepared all the stuff. But at the time to giving, I don't have confidence. So what happened? Oh, I'll not. Like in front of you, in front of me, you are sitting here. And I told you, just come and give some speech. What you told me? What happened in your case? You don't have confidence, and no confidence means no preparation. You do not. So likewise, if you want to become doctor in future, if you want to become an engineer in future, you need preparation. But with preparation, you need confidence. And how you get confidence? Tell me in life. Even though you are prepared,
इवन दो यू आर प्रिपेयर्ड, लेकिन आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं है। जैसा बच्चा था सेकंड एडिशन आपके साथ था, वो प्रिपेयर्ड था, वो एक टाइम पे बोलते मुझे देना नहीं है, क्यों उससे उसे बोलता मैं से यू नो लाइक लॉन्ग बैक यू कैन से बिफोर कोविड या इन 16-17 मेनी इंजीनियरिंग कॉलेजेस दे इनवाइट मी फॉर टू गिव लेक्चर्स ऑन टेस्टिंग ओके इन आईटी। सो व्हाट हैपेंड द फर्स्ट टाइम दे कॉल मी एचओडी ऑफ सीएसएमएस कॉलेज एंड टोल्ड मी सर यू हैव टू कम टू सीएसएमएस कॉलेज एंड गिव सम गाइडेंस टू अवर स्टूडेंट्स डिप्लोमा स्टूडेंट्स। सो आई सेड हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, so they told me 80 students. So first time I have to give lecture to 80 students sitting on the auditorium of people sitting 80 students. So I was little bit scared, nervous, you know, like I have to give guidance to 80 students. They will ask many questions to me, you know. So what happened? क्या किया मैंने? मैंने अपना पूरा focus 80 में लगाया नहीं, मैंने 80 में लगाया नहीं। मैंने अपना पूरा फोकस लगाया कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, मेरा क्या है टॉपिक, मुझे क्या पढ़ाना है। मैं जब इसमें से रहूंगा, इफ आई गुड इन माय स्पीच, इफ आई गुड इन माय प्रिपरेशन, तो सामने जो बंदा बैठा है वो कुछ ही मुझे पूछे तो डजंट मैटर, क्योंकि मैं अपने इसमें क्या हूँ कन्फर्म। आपके किसमें क्या होता है, आप प्रिपरेशन पे फोकस नहीं करते, आप फोकस करते कितने लोग सुनेंगे मेरे को, आपका पूरा माइंड उसको बहेंगे, वो हंसेंगे मेरे, दे विल लाफ एट मी, कुछ गलत हो गया तो वो भी हंसेंगे, मेरा यूट्यूब वीडियो जाएगा, लोग क्या कहेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या कहेगा, उसका माइंड उधर जाता हो। नहीं, आपको फोकस इस पे करना है प्रिपरेशन पे। और एक और चीज, जो प्लेयर होता है स्पोर्ट्स पर्सन होता है, फॉर एग्जांपल मैं चेस खेल रहा हूँ आपके साथ किसी साथ, ठीक है, तो अगर चेस खेलते रहे मेरे अंदर खुशी रहेगी, मेरे अंदर गम रहेगा, तो मैं हार जाऊंगा मैच को। स्पोर्ट्स प्लेयर के पास कोई चीज इमोशन नहीं होना चाहिए, उसके पास एक ही होना माइंड, फोकस होना चाहिए कि बस मुझे करना है। जरा सा कोई इमोशन हो गए आप सैड हो गए, अब बहुत फील अच्छा फील कर रहे हैं आप खेल रहे हैं, लगे आपका लॉस हो गया, एग्जाम दे रहे हैं आप, माइंड की तरह चलेगा आपका, अरे ऐसे करेंगे हम, अरे हम ऐसे करेंगे, खत्म। लेकिन आप फोकस से पूरा मुझे ये करना है, तो आप देखो कभी आपको ऐसा लगेगा नहीं कि ये। तो बहुत सारी चीजें इसमें जैसे बता रहा हूँ आपको कि आपको करना क्या लाइफ में कैसा है। तो मैं आपके एग्जांपल बता रहा हूँ कि जब भी आपके पास ये चीज आ गई, हार्ड वर्क परसेवरेंस और प्रिपरेशन आ गया आपके पास विद कॉन्फिडेंस, तो आपके अगर एक बच्चे भी है, एक बच्चे भी क्लास को आ रहा है आपके पास इन मेरे केस में, तो इतनी होना चाहिए आपकी काबिलियत कि वो डॉक्टर बन जाए, इतनी होना चाहिए काबिलियत कि वो क्या बन जाए, इंजीनियर बन जाए। लाखों बच्चे आ रहे लेकिन कुछ फायदा नहीं हो रहा, उससे क्या होगा, है ना। तो एक बच्चे का भी माइंड, एक बच्चे की लाइफ बन जा रही है अगर आपसे, आप उसको इस तरीके से पढ़ा रहेगा, कुछ फायदा हो जा रहा है, तो हमारे लिए क्या है, सक्सेसफुल। और कोई भी चीज स्टार्ट जो होती है वो हमेशा किसकी होती है, जीरो से, कैसे होती है, जीरो से। बस मैं अपनी इतनी स्पीच देके एंड करना चाहूंगा, और एक चीज बोलना चाहूंगा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपने हमें बर्दाश्त किया ऐसा, हमारे डांट सुने आपने, हम कभी कभी बहुत स्ट्रिक हो जाते हैं बच्चों को लेकर, हम नहीं किया, तो आप कभी देखोगे तो मेरा एक रवैया बच्चों से हमेशा प्रोफेशनली रहता, मतलब मैं कभी कम मजाक करता हूँ उनसे, हालांकि मैं बहुत मजाक के साथ में ऐसा हूँ, लेकिन जहाँ पे बात आती है स्टडी करने की तो बच्चे डरते हैं मुझसे, मेरे पास नहीं आते, डरते वाले सर है क्या बोलेंगे, मैं हमेशा कुछ बोल देता हूँ उनको डर से, मैं एकदम बोल देता हूँ ना, ऐसा मैं ध्यान नहीं करता बच्चे क्या सोचेंगे, मैं डर से बोल देता हूँ ऐसा नहीं चाह सके। तो वो चीज मुझे क्यों करना पड़ता है, क्योंकि मुझे चलाना है, रन करना है, एक्सप्लेन अगर मैं लूज पड़ गया इनकेस, मैं इजी ले रहा हूँ, हंसी मजाक चल रहा है, तो क्लास में चल रही है हमारी प्रोफेशनल डिसिप्लिन वो नहीं चलेगी, है ना। तो मेरा एक उद्देश्य होता है कि बच्चा कितना भी कैसे भी आंदोलन, मैं उसको राइड कर दूंगा, डरेगा मुझसे वो कि मिलेगा तो उसको झिझक रहेंगी, अरे शिव सर जा रहे, हालांकि मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं उसे दोस्ताना रहूंगा, लेकिन आपको झिझक रहेंगे, अरे शिव सर देख लीजिए क्या हूँ, जबकि ऐसा बिल्कुल मैं कभी ऐसा ना जरूरी बोलते रहे भाई, डांटा नहीं कभी ऐसा कि आप गलती नहीं कर रहे हो मैं आपको डांट रहा हूँ कुछ बोल रहा हूँ, ऐसा कभी हुआ नहीं, जब आपके इंसल्ट कर दे रहा हूँ कुछ बोल रहे, ऐसा नहीं होगा, हाँ इतना ही कहूंगा करे क्यों नहीं करे, बस उस पर रहता है मेरा। तो मैं उसके लिए आपका शुक्रिया करूंगा कि आपने मुझे एक साल झेला, ठीक है। तो आई वुड लाइक टू थैंक्स ऑल ऑफ यू, ओके, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, अच्छे से एग्जाम दो, हिम्मत मत हारो, कॉन्फिडेंस रखो और बी प्रिपेयर्ड।
प्रिपरेशन विद कॉन्फिडेंस और हार्ड वर्क प्रिजर्वेंस, ये चार चीज याद रखो बस, आप कभी भी नाकामी भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैं उस चीज से गुजरा हुआ नहीं, गुजर चुका नहीं, गुजर रहा हूँ, मुझे कामयाबी भी मिल रही है और मैं सेटिस्फाइड हूँ इसमें। एट दी एंड क्या चाहिए हमें? सेटिस्फेक्शन। जो भाई डॉक्टर नहीं मरे, क्या हुआ? कुछ तो एक जगह तो है। और इंसान ने याद रखो, जो चल रहा है आहिस्ता क्यों नहीं, वो कामयाबी की तरफ जा रहा है। रुक गया मतलब क्या? खत्म हो गया। रुक गया मतलब क्या? तो यही मत समझो कि मैं डॉक्टर बना नहीं तो मेरा लाइफ खराब हो गई, मैं इंजीनियर बना मेरी लाइफ स्पॉइल हो गई, ऐसा नहीं होता है। आप चल रहे हैं, कुछ पा रहे हैं। उसी का एग्जांपल दिया हूं आपको, तीन दोस्तों की कहानी बताया मैंने। हां वो जैसे मैं हूं, तो इसे फॉलो करो और लाइफ को एंजॉय करो, बाकी कुछ रखा नहीं है। ठीक है, now I requested Sami sir to give some gifts to students. Kashif ji. Kashif. दिल थाम कर आंखें पोंछ कर अलविदा कहने पर कहना पड़ रहा है, अलविदा कहना पड़ रहा है। वर्ड ऑफ थैंक्स के लिए मुनिस मोहम्मद मुनिस। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। आज के इस फेयरवेल के दिन में शुक्रिया अदा करता हूँ सभी सर का, जो आज के हमारे चीफ गेस्ट आए, शुक्रिया सर। और आज के ट्यूशन के डायरेक्टर शकील सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जो यहाँ पे शरीक हुए हमारे स्टूडेंट्स, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आज यहाँ पे आए। आज के दिन पे मैं सबका थैंक यू करना चाहता हूँ कि सब लोग आए यहाँ पे, फेयरवेल का दिन है टेंथ की बैच का। जनाब